हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने बजाज पल्सर 150 में वाइब्रेशन को कम कर सकते हैं सिर्फ 5 रुपए में। बजाज की सभी बाइक्स में अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें लगभग 3-4 साल में बॉडी से वाइब्रेशन होने लगता है। ये मेरा बजाज पल्सर 150 मॉडल है, जिसको लगभग 10 साल हो गए हैं। गाड़ी में कोई कमी नहीं है, बट इसका बॉडी बहुत वाइब्रेट करता है, मेनली जब रोड खराब हो। तो आइए इसके वाइब्रेशन इशू को सॉल्व करते हैं। पल्सर 150 में मोस्टली वाइब्रेशन इसके हुड से आता है, जिसमें डिजिटल मीटर, लाइट्स इत्यादि माउंट होते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में ये इसका हुड किस तरह से हिल रहा है। ये हुड अक्सर लूज हो जाता है जब बाइक पुरानी हो जाती है। इसमें बेसिकली कुछ 6 लोकेशन में ये हुड माउंट होता है, जहां से कभी कभी ये हुड टूट जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जस्ट एक छोटा सा काम करना है। ये फेविक्विक आप पास की दुकान से खरीद लीजिए, जो केवल 5 रुपए का आता है। सबसे पहले आपका जहां से भी हुड टूटा है आपको देखना है, और आपको इसको अच्छे से कपड़े से साफ कर लेना है, ताकि कोई भी धूल मिट्टी ना रहे। बाद में आपको इसमें फेविक्विक लगाना है, जो वीडियो में इस तरह से लगाया जा रहा है। इसको टाइट से पकड़ लीजिए लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, और हो सके तो आप ये काम जब धूप हो तभी करें, ताकि ये अच्छे से जुड़े। अगर आपका हुड दूसरी तरफ से भी ऐसे ही टूटा हुआ है, तो आप उसको साफ करके इसी तरह से चिपका लीजिए। और इसी तरह आपके दो ऊपर की तरफ पॉइंट होंगे, वहां पे आप इसको इसी तरह लगा लीजिए। ये जब पूरा अच्छे से चिपक जाएगा, तो आपका हुड अच्छे से फिक्स हो जाएगा, और फिर आपकी बाइक में वाइब्रेशन के इश्यूज काफी कम हो जाएंगे। ये तरीका आराम से आपका 1 साल तो बिना कोई प्रॉब्लम दिए हुए चल जाएगा। और अगर आप बाद में हुड में कुछ काम भी करवाना चाहते हैं, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। सो मेरी तरफ से आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और इस तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।